YouTube चैनल तो कैसे हैं आप लोग सब। तो गाइस आज का मेरा रिएक्शन है कल की मूवी के पार्ट 3 पे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लाजमी जाइए चेकआउट कीजिए। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैंने अब तक के जो दो पार्ट देखे हैं काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिला है मुझे, एंड फर्स्ट सीन ही कुछ अलग था, एंड सेकेंड पार्ट का जो सीन था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया जाता है, उनके साथ जो ओल्ड मैन होता है उसको भी मार देते हैं, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या मिलता है इसमें। जो हम देखेंगे जो इस आज की वीडियो का जो मेन टाइटल है वो है बहरवा की एंट्री, यानी अपने प्रवास डार्लिंग। एंजॉय करेंगे एंड बात में करती हूँ फिर मैं डिस्कस आप लोगों से। 1 2 3 एंड गो। पकड़ो नहीं। हाँ अब जो रह गए हैं पकड़ने वाले को मिलेंगे 5000 यूनिट। यूनिट्स की कहानी है यहाँ पे सारी। बच्चों को तुम्हें ही कहानियां सुनानी होंगी मरियम। थोड़ा सा पार्ट ये रिपीट हुआ है, ये मैं देख चुकी हूँ पार्ट 2 में। बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था ये। इसका मतलब ये पेड़ मर गया क्या? नहीं बेटा, ये पेड़ मरा नहीं, इंतजार में है, रोशनी वापस आने की उम्मीद में है। अच्छाई कभी नहीं मरती, और वो जरूर वापस लौट के आती है। अब निकले हैं ये लोग, उन लोगों को ढूंढने जो रह गए थे। अर्जुन तुम निकलो, मैं इन्हें संभाल रहा हूं। गो स्ट्रेट, डोंट लुक बैक। मिल गया बेबी चूहा, इसके एटलीस्ट 5000 यूनिट्स तो मिलेंगे ना। वन स्टार बाउंटी, 5000 यूनिट्स, अब आप सब घर चले जाओ। ये क्या? ये मेरे हैंडकफ्स और ये मेरी बाउंटी और ये है मेरी गन। मुझे शूट किया तुमने, अब देखना मेरा बॉस आकर तुम सबकी धज्जियां उड़ा देगा। कौन है तेरा बॉस? पुराने वॉर्स का एक किक-ऐस सोल्जर जो कभी कोई वॉर नहीं हारा, अनडिफीटेड, द वन एंड ओनली बहरवा। ये तो काफी टेलर हमने देखा है। वाओ लो, फिर आ गया ये, पता नहीं क्या करेगा। भैरवा उठो, क्या कमाल का बिल्डअप दिया था यार। मुझे प्लीज 5 मिनट्स। द ग्रेट भैरवा, अरे इनकी फाइट्स के बारे में तो क्रेजी स्टोरी सुनी है बॉस। सुनी तो मैंने भी है, जबरदस्त फाइटर। बहरवा कभी नहीं हारा, लेकिन किसी एक साइड नहीं कहा है। ज्यादा पैसे मिले उधर जंप मार ले। ये हमारी बाउंटी है, सीधे आकर मेरी गोद में गिरी। 5000 यूनिट्स है बहरवा। गाइस अभी 5000 यूनिट्स दे दो और फिर लेकर जाओ तुम इसका। दम है तो हरा दे हमें और ले जाए इसे। अरे यार चैलेंज कर दिया भाई। नहीं। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं। बुज्जी ये बाउंटी दे दो इन्हें। 5000 यूनिट्स के लिए अब इनसे फाइट थोड़ी करूंगा। इतना अच्छा सपना देख रहा था। सपने में कॉम्प्लेक्स। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। और पता है टेबल फ्रेश फूड बच्चे।
कॉम्प्लेक्स जाएगा कैसे? सबकी तरह यूनिट्स है। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? 1 मिलियन चाहिए। उससे थोड़े कम। करंट बैलेंस 250 यूनिट्स। मुझे तुमसे इन्होंने पूछा क्या? डिटेल्स किसी ने पूछा क्या? तेरे लिए स्पेशल ऑफर, हमें रोक के दिखा दे, तेरे को 5000 यूनिट्स और दे दूंगा। और ये बुड्ढा, ये तेरे को बोनस में मिल जाएगा। अब तो ठीक है ना, टोटल हो गया 10000 यूनिट्स। सुबह सुबह की लड़ाई छिड़ रहा के बच्चे। सुबह? अरे कुछ देर और रुके तो रात हो जाएगी। ओके। के शूज, इन शूज को चार्ज करना था ना। तुम्हारे शूज, तुम चार्ज करो। थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल रहा करो बच्चे। ओके लिविट। ओके। अच्छा म्यूजिक लगा। आना है। ओके। पुक्तिन वानिक मरणम उत्पदम, मरणिंचिन वानिक जन। चले आओ से। आत्मनाशन मुनि आत्मनु शस्त्रं छेदिंपदारु अग्नि रक्षिंपदारु बाजी बहुत हो गई तेरी, तब मैं तो सामने आके खड़ा हो जा। आत्मनाशन मुनि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। डर गए ना? तेरी तो बुड्ढी, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पेन तो नहीं ना? मुझे मारा पड़ता है। तुम यहाँ से वहाँ मेंढक की तरह कूद रहे हो। If you really care about me, तो जाके उसे धो डालो। देखा जाए तो अब एक्शन वगैरह शुरू हुए हैं। भैरवा, गई हमारी बाउंटी। ये बाउंटी मेरी है। थैंक यू। Hey, oh, भाई।
क्या दिख रहा है निकले? सही बात कर दिया भाई। स्टार्टिंग का जो पार्ट था जो है वो रिपीट हुआ था, जिसमें जो कहते हैं जिसमें जो ओल्ड मैन मरते हुए कहता है आप बच्चों को कहानियाँ तुम्हें ही सुनानी पड़ेंगी, तो वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल था मरियन देखने को मिला। तो खैर उसके बाद बहरवा की एंट्री होती है। बहरवा की लुक जो है वो अब अच्छी थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी, या तो ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सीन ये बहरवा की लुक बहुत ज़्यादा बेस्ट भी हो, क्योंकि देखा जाए तो इसमें हम जितने भी लोग देख रहे हैं तो उन लोगों की अगर वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल के लोग हैं तो उन लोगों के ड्रेसेस कुछ हैं ही इसी तरह के, जैसा कि वो ओल्ड मैन और वो दिव्या को जो मारता है आदमी, तो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उसकी भी ड्रेसिंग कुछ इसी तरह की होती है, मैचिंग करती हुई जैसे कि बहरवा की है। तो ये दिखाया है कि इस तरह अभी जो लोग हैं तो उन लोगों की ड्रेसिंग सिमिलर है। और इसके अलावा जो टोटली दिखाया प्रभास की एंट्री बहुत अच्छी दिखाई, एंड प्लस इसमें प्रभास जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली मूड में है, और ये बात हम और ये मेन चीज़ हमने ट्रेलर में भी देखी थी कि जिसमें मैं बोला था कि भाई प्रभास यानी कि बहरवा अभी तक कोई फाइट नहीं आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ही बात बोलते हैं, तो इसलिए कुछ ट्रेलर की चीज़ें मुझे याद आ गई थी। और बुज्जी का जो बोलने का स्टाइल है ना वो बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत प्यारा है। और इसकी जो डबिंग की है ना बुज्जी की, वो श्रद्धा कपूर की आवाज़ में इसकी है। खैर नो डाउट बुज्जी जो है वो एक सही प्रभास को ना देखा जाए तो एक चार्ज करता है, प्रभास को यानी बहरवा को बताता है, और इतनी जल्दी उसने काउंटिंग की, इतनी जल्दी उसने बताया कि अभी तो हमारे पास समथिंग यूनिट्स हैं, मतलब 200 समथिंग यूनिट्स हैं। तो यार इतना मासूम ये मुझे उस मोमेंट लगा। और इसके अलावा प्रभास की फाइटिंग बहुत प्यारी थी। क्या देखा जाए तो सीन्स अभी स्टार्ट हुए हैं, और जहाँ तक मैंने जितने भी इंडियंस ने रिव्यू दिए थे तो सबने यही कहा था कि स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो एवरेज है, जैसे जैसे आगे जाती रहेगी ना तो आप लोग बोलेंगे कि क्या ही गजब हमसे शेयर किया है। तो बस मैं उसी की वेट में हूँ, बाकी आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों ने इस पार्ट को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है, और बाकी के टू पार्ट भी आप लोग लाजमी देखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।